और कितना टाइम? ट्रैफिक ना मिले तो 20 मिनट वरना 2 घंटे. काश ट्रैफिक ना मिले, काश ट्रैफिक ना मिले भगवान. I'm so sorry. Are you okay? I'm fine. Listen. Vicky, innocent. ये क्या हो रहा है? स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं. लेकिन क्यों? Dean, down, down. Vicky is innocent. ये तो बहुत लकी है. एक लड़के के लिए इतनी सारी लड़कियाँ. Dean, down, down. जरूर एक्सपेल किया होगा. Madam, your daughter is protesting against you. I can see that. Let's go. What's going on here? Get lost. पूजा मॉल में? सुनो डीन, आप ये ठीक नहीं कर रहे. अगर विकी को इंसाफ नहीं मिलाना तो हम आपकी कार जला देंगे. Excuse me, हुआ क्या यहाँ पर? हम विकी के सपोर्ट में डीन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं. Who the hell is विकी? My boyfriend. वो मेरा बॉयफ्रेंड. नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड है. झूठ मत बोलो. विकी तुम्हारे लिए सिर्फ एक नाम हो सकता है, पर हम लड़कियों के लिए वो सब कुछ है. हॉट, क्यूट, वो और उसकी प्यारी प्यारी बातें मानो जैसे ग्रीक गॉड हो. हर लड़की उस पर फिदा है. उसके एक नहीं कई गर्लफ्रेंड्स हैं. वो सबके दिलों पर राज करता है. उसे क्या हुआ? डीन की बेटी और विकी कंबाइन स्टडी कर रहे थे और तभी डीन ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और डीन ने विकी को कॉलेज से एक्सपेल कर दिया. तो फिर विकी ने क्या किया? विकी ने कॉलेज में लीगल अपील की है. काउंसिल में उसे अपने बेगुनाही का सबूत देना है और आज ही वो दिन है. विकी काउंसिलर से मिल रहा है, प्रशांति रेड्डी, हेड काउंसिलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, एज 32, वेरी स्ट्रिक्ट. वो मर्दों से बुरी तरह पेश आती है. उनके स्टाफ में जितने भी मर्द हैं उन पर रोज अपना गुस्सा निकालती है और अपना ईगो सेटिस्फाई करती है. प्लीज प्रे फॉर विकी. अजीब कैरेक्टर है ना? फालतू कैरेक्टर है. एक्सक्यूज मी मिस. हाय. ये इंग्लिश भाषा भी ना, जो मिस नहीं है उन्हें भी मिस कहना पड़ता है. वेयर इज द काउंसलर्स ऑफिस? हे, तुम हिंदी बोलती हो? ईगो. अप्रैल 6 को रात को ठीक 11:30 बजे तुम डीन की बेटी मार्गरेट के रूम में क्या करने गए थे? एक्चुअली मार्गरेट थोड़ी स्ट्रेस में थी और मैं बस उसकी हेल्प कर रहा था. स्ट्रेस में थी? Can you explain? Yes, Miss Reddy. अच्छा, जब आप स्टूडेंट थी तो एग्जाम टाइम में स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप क्या करती थी? मैं चॉकलेट खाती थी. हाँ, उन दिनों तो चॉकलेट से काम बन जाता था, पर आज का स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है. चॉकलेट खा लो, बिस्किट खा लो, कुछ नहीं होता. ह्यूमन टच की जरूरत पड़ती है. What? मैंने भी ठीक इसी तरह रिएक्ट किया था, पर एग्जाम टाइम में स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. वो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही थी. सुबह उसका एग्जाम था, पास होने के लिए उसे पढ़ना जरूरी था, पढ़ाई के लिए स्ट्रेस कम होना जरूरी था. स्ट्रेस को कम करने के लिए मैंने बस उसकी हेल्प की. एक तरफ थे मेरे वैल्यूज और दूसरी तरफ था मार्गरेट का करियर. वैल्यूज करियर, वैल्यूज करियर, वैल्यूज करियर, वैल्यूज करियर, वैल्यूज करियर. What did you decide? वही जो सही था, वैल्यूज भुला दिए. सिर्फ मार्गरेट के करियर के खातिर, उसका स्ट्रेस कम करने के लिए उसने जो कुछ मुझसे कहा मैं बस करता चला गया. मेरी लगाम उसके हाथ में थी. शी फेल रियली हैप्पी. पर तभी उसकी मासूम माँ आ गई. Vicky. She didn't feel happy. Miss Reddy, I'm not guilty. Please help me. Miss Reddy, आपके हाथ कांप रहे हैं. आपके दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही हैं. आपको तो पसीना भी आ रहा है. I think you're stressed.
आप चॉकलेट खाएंगी? No. मिस रेड्डी, कॉल मी प्रशांति। पापा चाचू नहीं आ पा रहे, कुछ वीजा का इश्यू है। हे, सॉरी मैंने तुम्हें नहीं देखा। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। हिंदी बोलती हो? हे, अरे एक्सक्यूज मी मिस, इंग्लिश भी बड़ी अजीब भाषा है, जो मिस नहीं होती है उन्हें भी मिस बोलना पड़ता है। हाय, आई एम विकी। तो उसमें मैं क्या करूं? एंड प्लीज डोंट फॉलो मी। हर लड़की पहले यही करती है, बाद में बहुत पछताती है। मैम प्लीज टेक योर सीट। आई वांट टू चेंज माय सीट प्लीज। सॉरी द फ्लाइट इज फुल। फ्लाइट फुल हो गई है निकिता। शॉर्ट मैंने की, क्यूट लगता है ना? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? नाम जाना तभी तो बगल की सीट ले पाया हूँ मैं। देखो विक्की, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो पर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जान चुकी हूँ। क्या जान चुकी हो? तुम्हारा नाम है विक्रम कृष्णा और तुम वेलिंगटन यूनिवर्सिटी से MS in फाइनेंस कर रहे हो। 2 साल के कोर्स को पूरा करने में 4 साल लगा दिए। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसमें तुम फेल ना हुए हो और तुम कॉलेज की हर लड़की का फिगर। तौबा तौबा तौबा, बोलने में शर्म आ रही है। ओके, थैंक्स। थैंक्स? पर किस लिए? देखो, अगर तुम ये सब कुछ मुझसे इंडिया में लैंड होने के बाद कहती तो मैं पूरा सफर तुम्हें पटाने में बर्बाद कर देता। अब मैं आराम से किसी और लड़की पर ट्राई करूंगा। क्या गारंटी है कि कोई और पट जाएगी? West 12D, 12D, 12D. वहाँ पे, वहाँ। Thanks. Excuse me, miss. Yes. बिल्कुल सही। हाँ सही है ना? देखिए वो आ गए। विक्की। हाय पापा, आप कैसे अंकल? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पहले से बहुत बेहतर। हाय, आई एम किशोर। अरे सॉरी बेटा, ये किशोर है, तुम्हारे चाचा के होने वाले दामाद। जीजा जी, आप मुझे लेने कैसे आ गए? नहीं वो एक्चुअली मेरी बहन भी इसी फ्लाइट से आई है। इसी फ्लाइट से? वो देखो वो रही, आ गए। हाय। ये कहाँ से आ गई? हाय भैया। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। कैसी हो बेटा? हाय अंकल, मैं अच्छी हूँ। पापा आप इसे जानते हैं? हाँ, उमा की सगाई में सारा इंतजाम इसने किया था। ये मेरा बेटा विक्की। हाय। हाय। तुम लोग एक ही फ्लाइट में थे, तुम लोग मिले नहीं? थैंक्स अ लॉट विक्की, इट वाज ग्रेट। अब बोलो। बेचारी को फ्लाइट में पेन दिया था इसलिए थैंक्स कह रही थी। सच बोल रहे हो ना? प्रॉमिस पापा, सच कह रहा हूँ। तूने अभी झूठ बोला ना? जीजा जी, इससे मिलो, मेरा बेस्ट फ्रेंड। अरे वो सब छोड़ यार, तूने झूठ बोला कि नहीं? तुम्हें कैसे पता कि अभी इसने झूठ बोला? अरे मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूँ, जब भी ये झूठ बोलता है मैं लेट हो। बाय बाय, बाद में मिलेंगे। चल चल चल। अरे हाँ हाँ, बाद में मिलते हैं, बाद में मिलते हैं। बाय। चलो रंगा, सामान गाड़ी में रखो जी।
बेटा तुमने किशोर की बहन से ऐसा क्या कहा? वो बहुत गुस्से में लग रही थी। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा पापा। सच कह रहे हो? प्रॉमिस पापा, मैंने कुछ भी नहीं कहा उससे। अरे जरा संभाल के, हम लड़की वाले हैं। विकी, विकी, गुड मॉर्निंग बेटा। हाय चाची। ये लो कॉफी पी लो। थैंक यू। हाय भैया, मेरे लिए क्या लाए हो? देखा चाची, कितनी लालची हो गई है ये। उमा जाओ, पूरा ब्लैक सूटकेस तुम्हारा ही है। थैंक यू चाची। विनोद या इससे कोई भी उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि बाद में आपका ख्याल मैं ही रखूंगा। मैं बताना भूल गई कि चाचा उठ गए क्या? उन्होंने कहा कि तुम उठ जाओ तो बता देना। अरे जल्दी करो, शादी में सिर्फ 20 दिन रह गए हैं, पता नहीं इतनी देर क्यों लगा रहे हो। चलो चलो जल्दी हाथ चलाओ। गुड मॉर्निंग चाचू। टाइम देखा, 10 बज रहे हैं। वो कल रात को देर से सोया था तो। तो आखिर तुम्हें मास्टर्स डिग्री मिल गई? हाँ देखे ना, मेरा सर्टिफिकेट। हे भगवान, 2 साल लग गए डिग्री लेने के लिए, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती? अपने छोटे भाई से कुछ सीखो। अब मैं उससे सीखूं? हाँ, IIT से BTEC और IIM से MBA किया है, वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है, 5 लाख रुपए हर महीने कमाता है। तुम्हारे पापा सिविल इंजीनियरिंग में टॉपर थे, मैं मेडिकल एंट्रेंस में टॉपर था। हालांकि बाद में मेरी दिलचस्पी कंस्ट्रक्शन में हो गई, पर मैंने कभी पढ़ाई से मुंह नहीं फेरा, कभी नहीं। भाई साहब, आपके भाई विकी को लेक्चर दे रहा है। अपनी पूरी फैमिली में अगर कोई नालायक और निकम्मा है तो सिर्फ तू है। देखिए फिर से शुरू हो गया। मैं तुझे एक ही बात बार बार कहता रहता हूँ विकी, पर तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़। चाचू वो। हाँ बाबा। बेटा तुम किशोर की बहन को पहचानते हो ना? हाँ, निकी ना। रिवाज के मुताबिक उसे कुछ तोहफे देने हैं। हाँ। तुम उसे शॉपिंग पे क्यों नहीं ले जाते? और उसे जो कुछ भी अच्छा लगे उसे बेहिचक खरीदवा देना, पैसों की फिक्र मत करना। ये तोहफे वोफे की क्या जरूरत है, लिफाफे में कैश डाल के दे दीजिए उसे। विकी, तुम्हारा मशवरा किसी ने नहीं मांगा है, अपने पापा की बात मानो। मैं विनोद होता तो कभी मना नहीं करता, ये कैसा बिहेवियर है? क्या मुझे उस विक्की के साथ शॉपिंग जाना होगा? आपका दिमाग तो ठीक है ना पापा? निकी, पापा से ऐसे बात नहीं करते, संस्कार भूल गई क्या? अरे तुम बीच में मत बोलो, तुम अंदर जाओ। ठीक है, मैं किसी के भी साथ शॉपिंग जा सकती हूँ पापा, पर उस आवारा के साथ नहीं। वैसे तुम कौन हो? वही आवारा? नहीं नहीं, मेरा मतलब विकी, कृष्ण प्रसाद जी का बेटा। सुनिए जी, निकी को समझा दीजिए, अगर उस लड़की के सामने उसने ऐसे बात की तो हम लोगों की क्या इज्जत रह जाएगी। ये विक्की है, कृष्णा प्रसाद जी का बेटा। ये कब आया? बेटा कॉफी। आज ही कॉफी पीनी छोड़ दी, थैंक यू। अरे यार लीजिए। तुमने बनाई है? थोड़े बिस्किट ले आती। हाँ, अभी लाती हूँ। इतनी जल्दी पी ली? वो मुझसे रहा नहीं गया। बाप रे, ये पौधा भी मुरझा गया। पापा मैं रेडी हूँ। निकी। What? Sorry, वो मुझे तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। अब रिश्तेदार बन रहे हैं तो सब नॉर्मल कर देते हैं ना। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अपनी हद में ही रहूंगा। नो फ्लर्टिंग, नो चीप जोक्स। मैं वही करूंगा जो तुम चाहती हो। शाम 6 बजे से पहले घर आना है। डन। उमा, हाय निकी। हाय, कैसी हो? तुम अंदर क्यों नहीं आई? मम्मी ने कहा कि शादी से पहले घर के अंदर ना जाओ। भैया आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? भैया भैया अगर मम्मी पूछेगी तो मैनेज कर लेना प्लीज, तो हम चले। ओके बाय। एक्सक्यूज मी सुनिए मैडम। हो गया तुम्हारा, अब चले। मैंने कुछ खरीदा ही नहीं है, कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। ऐसा क्या? एक्सक्यूज मी मिस, थैंक यू। सर ये मैडम कौन है? दूर की रिश्तेदार। ओ हाँ,
इतना इजीली फ्लर्ट कैसे करते हो? सिंपल है, थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है तो उनकी बहुत सारी तारीफ करनी पड़ती है और वो पड़ जाती है। सब लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती, लड़कों के मामले में हर लड़की की सोच और एक्सपेक्टेशन अलग होती है, उनके स्टैंडर्ड का लड़का हो तभी यहाँ करती है। अब तो तुम्हें डोपामाइन थ्योरी बतानी ही पड़ेगी। लड़कियों के सपने में लड़के ही मैन होते हैं और उन्हें प्यार होता है डोपामाइन से। तुमने कभी नोटिस नहीं किया क्या, एक सुंदर लड़की को प्यार होता है एक भद्दे लड़के से, और पढ़ाई में होशियार लड़की बैक बेंचर से प्यार करती है। या पर ऐसा क्यों होता है? सब पावर का खेल है, जब लड़का लड़की से कम होगा तभी तो उसे नीचा दिखा पाएंगे और तुम्हारी जरूरत से ज्यादा कद्र करेगा। इसका फायदा उठा के तुम लड़कियां उसे अपनी कठपुतली बना लोगी। जो हीमैन होगा वो तुम्हारी एक बात नहीं मानेगा, पर डॉबरमैन ऐसा नहीं करेगा, वफादार होगा, इसी डर में जीता रहेगा कि कहीं तुम उसे छोड़ ना दो। ये लो। इतना क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि मुझे तो भगवान राम जैसे किसी लड़के की तलाश है, क्या मुझे ऐसा लड़का मिलेगा? बताओ ना, मिलेगा या नहीं? अब हो सकता है मिल जाए, अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? तो फिर तुमने मुझे आइंस्टाइन थ्योरी की जगह डॉबरमैन की थ्योरी क्यों सुनाई? अब तो मुझे फिक्र होने लगी है कि पता नहीं मुझे कैसा लड़का मिलेगा। बात क्या है? लीव मी अलोन। निकी, कुछ कहूँ तुमसे? आज सुबह तुम मेरे साथ आना नहीं चाहती थी पर आ गई। डिनर का प्लान नहीं था पर तुमने खाया। तुम्हें 6 बजे तक घर लौटना था पर हम अभी तक बाहर ही हैं। इसमें कुछ भी गलत हुआ क्या? नहीं ना, लाइफ ऐसी है निकी, प्लान के मुताबिक कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारी किस्मत में राम जैसा लड़का है तो मिलेगा, पर अगर तुम्हें उससे भी अच्छा लड़का मिला तो राम की कोई जरूरत नहीं। तो भगवान से अपनी चाहत मत मांगो, उसे मांगो जो तुम्हारे लिए सही हो। निकी। हाय आंटी। उमा। हाँ निकी आई है, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ आंटी। हाय निकी। ये लो उमा, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। थैंक यू आंटी। अंकल कहाँ है? आज विनोद आ रहा है, एयरपोर्ट गए हैं उसे पिकअप करने। क्या, आज विनोद आ रहा है? तुम्हें नहीं पता था? अगर पता होता तो घर पे थोड़ी होता चाची। ये तो आ गया, मर गया। मैं लगेज लेकर आता हूँ पापा, आप अंदर। मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। विनोद आ गया। लक्ष्मी देखो अपना बेटा आ गया है। अरे निक्की बेटा तुम कब आए? अभी अभी। और यह है मेरा बेटा, मुंबई से आया है। हाय। माँ कैसी हैं? ठीक हूँ बेटा, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। अरे विक्की, विनोद आ रहा है पता नहीं। क्यों रे विक्की, अब तक तूने इसका साथ नहीं छोड़ा? बेस्ट फ्रेंड को कैसे छोड़ूं? बाय द वे, सुना है तुमने एमएस कंप्लीट कर लिया? हाँ। तो आगे क्या करना है? इस शादी के बाद खुद का ऑफिस खोलूंगा। हाँ हाँ वो तो करोगे ही, तुम्हारे पापा का ही ऑफिस है, पापा ने कार दी, पापा ने पैसे दिए। जब खुद का कुछ करोगे ना तब मुझसे बात करना, समझे? इनका लेक्चर कब तक सुनना पड़ेगा यार? अंकल कार धूप में खड़ी है, मैं छांव में लगा के आता हूँ। इसकी उम्र में किसी ने फेसबुक बनाया था, क्या नाम था उसका? हाँ, अभी हाल ही में उसने व्हाट्सएप खरीद लिया है और ये लड़का व्हाट्सएप मैसेजिंग में वक्त बर्बाद कर रहा है। विकी जाओ, तुम्हें बाहर बहुत काम है ना, इनका लेक्चर क्यों सुन रहे हो? तुम जाओ। इसी ने बिगाड़ा है। क्या हुआ, बुरा लगा? बचपन से सुनता आया हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। अगर तुमने भी अच्छे से पढ़ाई की होती तो कुछ बन गए होते। पढ़ाई की बात ना ही करो तो अच्छा है। विकी लाइफ में कोई गोल तो होना चाहिए ना। किसने कहा मेरा कोई गोल नहीं है? तो क्या है बताओ? मेरे पापा की कंपनी को आगे बढ़ाऊंगा। ऐसे क्यों रिएक्ट किया? पता है तुम्हारे पापा के बिना तुम्हारी खुद की कोई पहचान नहीं है, यही बात अंकल कह रहे थे। निकी मेरे पापा ने मुझे चलना सिखाया है, अगर मेरी पहचान उनसे बनती है तो बुराई क्या है? मेरे सपने जरूरी है तो क्या उनके सपनों को आगे बढ़ाना जरूरी नहीं है? निकी मैं अपने पापा के बिना कुछ भी नहीं हूँ और यही सच है, वो मेरी ताकत है, पर एक दिन मैं अपने पापा की ताकत बनूंगा। ये सब करके सुकून मिलेगा, ये फेसबुक और व्हाट्सएप बनाकर नहीं। निकी
तुम्हारा भाई स्मोक करता है और ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और उसके अलावा सच कहूँ तो किशोर बहुत अच्छे हैं, वो जेंटलमैन है। पर तुमसे एक बात कहूँ, विकी भी जेंटलमैन है, धीरे धीरे तुम उसे जान जाओगी। विकी चलो घर चले। हाँ तुम लोग जाओ, मुझे विकी घर ड्रॉप कर देगा। ओके थैंक्स। हाँ ठीक है चलो। हाय विकी। हे हे हाउ आर यू? आई एम गुड। ये है मेरे मंगेतर वामसी। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। शादी कब है? इसी सितंबर में। अच्छा बड़ी जल्दी में। हम लोग चलें? उमा कहाँ है? भैया के साथ चली गई। ओके विकी ये कौन है? दूर की रिश्तेदार है। ओह ये कौन थी? मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। व्हाट विकी तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से अब भी बात करते हो? हाँ भले ही उनके दूसरे बॉयफ्रेंड से, फिर भी कुछ की तो शादी भी हो चुकी है। तो क्या तुम्हें जलन नहीं होती? अब इस दुनिया की सारी लड़कियां तो मेरे लिए बनी नहीं है ना निकी, वो उनकी लाइफ है एंड आई रिस्पेक्ट दैट। पर हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता, जानते हो मंदिर में सुषमा मुझे देखकर जेलस फील कर रही थी। कुछ भी या शायद उसे लगा होगा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, उसके चेहरे पे साफ झलक रहा था। अगर कोई मेरी खुशी देखकर उदास है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर मैंने जानबूझ के दिल दुखाया तो बेशक उसमें मेरी ही गलती होगी और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। गॉड विक्की तुम तो मुझे जेलस फील करवा रहे हो। You are the happiest person I have ever met. सच सच बताओ क्या जिंदगी में तुम कभी दुखी हुए हो? नहीं। Seriously, कभी भी नहीं रोए? नहीं तो? बचपन में जब कभी खिलौने टूटे हो या कभी चोट लगी हो? जब चोट लगती थी तो दवा लगा लेता था, खिलौना टूटा तो नया खरीद लेता था। माँ के गुजरने पर भी नहीं? Sorry. मुझे पैदा करके कुछ घंटों में माँ चल बसी, उनके बनने पर सब रोए तो बहुत होंगे, मैं भी रोया ही होऊंगा, पर कुछ याद नहीं। तो क्या तुम्हें माँ की कमी महसूस नहीं होती? पापा ने महसूस नहीं होने दिया। ए छोटू। जी सर। बिल लेके। हाँ सर आ रहा हूँ। हाय आंटी। हाय निकी। उमा कहाँ है आंटी? फ्रेंड्स को इनविटेशन देने गई है, 15 मिनट में आ जाएगी, तब तक तुम उसके कमरे में बैठो। ओके आंटी। ठीक है। सवाल लड़ा था। अरे अच्छा सवाल लड़ा था। विकी आखिर तुम इसे मार क्यों रहे हो? वैसे मैं ये गिफ्ट्स पैक कर रहा हूं, इससे मदद मांगी तो बोलता है कि निकम्मों की मन नहीं करेगा। हे तूने मुझे मारा, पापा को बोलता हूं। जा बोल। हां बोलूंगा। तुम्हारे चाचा बहुत गुस्सा होंगे। हां तो होने दो। पापा पापा। ए शिवप्रसाद मारा। शिवप्रसाद ए मारा रे शिवप्रसाद। हां जी। हां भाई क्या हुआ? तेरी तो मेरे पैसे कब देगा रे तू? भाई मेरी बात तो सुनिए, देखिए घर पर मेहमान है, मेरी इज्जत का तो ख्याल कीजिए प्लीज। क्या भाई कॉलेज छोड़ दीजिए। इतनी फिक्र है तो कर्जा काहे को लिया रे? कुछ दिन की मोहलत दीजिए। पैसा कब देगा ये बता मेरे को। भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी का अभी पैसा चाहिए। देखिए मेरी बात तो सुनिए। क्या बात करेगा तेरे से? और क्या बोलता है? छोड़ो पहले, छोड़ो छोड़ो उसे। तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? चलो हम लोग बैठ के बात करते हैं। तुम्हारे भाई ने 25 कोके का कर्जा लिया है, 6 महीने से देने का नाम नहीं, 3 महीने से ऑफिस में दिख नहीं रहा है, फोन भी नहीं उठाता है, अभी क्या करूं? ये सच है कि मैंने पैसे उधार लिए हैं। दिमापुर में मैंने कंस्ट्रक्शन शुरू किया है, अब मार्केट में मंदी चल रही है और सेल बिल्कुल डाउन है, तो मैं इनके पैसे लौटा नहीं पाया। ठीक है, हमारे घर में शादी होने वाली है, पैसा चुकाना मुश्किल होगा, इसीलिए तो मैं वसूली करने के लिए आया। मैं पैसे लिए बिना जाऊंगा नहीं। क्या भाई मुझे सिर्फ 3 महीने की मोहलत दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। नहीं हो सकता है। देखिए ये शादी होने दीजिए, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। ए, मेरे को विश्वास नहीं है। देखिए आप जहां चाहो मैं साइन करने को तैयार हूं। ये क्या कह रहे हो? नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं संभालूंगा, सब ठीक हो जाएगा। ए, हाँ भाई स्टाम्प पेपर क्यों नहीं रे? अरे इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है,
कोई बात नहीं भैया, आप टेंशन मत लीजिए। बेटे को बोल साइन करने को। हाँ? मेरे बेटे की साइन किस लिए? तो पलटी खा गया तो, या तो टपक गया तो, कर्जा कौन चुकाएगा? बोला उसको। विनोद बेटा, साइन मैं नहीं कर सकता। साइन कर देना बेटा, मैं सब संभालूंगा, कुछ नहीं होगा। अगर आप नहीं संभाल पाए तो? This is too much pressure for me. मुझे नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, so don't drag me into this. और वैसे भी आपने जो गलती की उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? मैं नहीं करूंगा। विनोद, I'm sorry. तेरे छोकरे को तेरे पे भरोसा नहीं है, मैं कैसे करूं? बच्चों को इसमें मत घसीटो, मैं साइन कर दूं तो ठीक रहेगा? तुम साइन करते तो मेरे को चलेगा। तुम्हारे बेटे की भी साइन चाहिए मेरे को। उम्मीद करोगे वो पैसा चुका नहीं सके, फिर ये बंगला अपने बाप का। यहां कहां रख रहे हो उसे, वहां ले जाके रखो, चलो। ए मामा, गेट खोलो जल्दी। मैं नहीं खोल सकता, चाबी उनके पास है। ए, तुम लोग बहुत काम चोर हो, ठीक से काम नहीं कर सकते क्या? इधर आओ, जाओ चाबी लेके आओ, जाओ। नाराज लग रहे हैं, पूछूंगा तो डांट पड़ेगी। ए, चाबी लेके आ रहे, जल्दी लाता हूं। ए, अब तक टीचर क्यों नहीं आया? उससे कहो कि जल्दी आए, कितना लेट हो रहा है, जल्दी जाओ। ओके सर, जाओ। ए, चाबी दे। मैंने आपसे कहा था ना, बहुत गुस्से में लग रहे हैं, कहाँ वहाँ पंगा ले लिया आपने। ये तो खड़े खड़े क्या कर रहा है, काम कर अपना। चाबी लेके आओ, लेके भाई। उसका थोपड़ा फोड़ डालो, जाओ जल्दी। अरे चल, चलो। छोड़ेंगे नहीं। डेकोरेशन खराब कर दिया तुम लोगों ने। अंकल, हाँ बेटा, इसे ठीक करने में कितना टाइम जाएगा? ठीक करने में काफी वक्त लग जाएगा। Right?
बड़ी गलती कर दी। मैं पैसे लिए बिना जाऊंगा नहीं। लक्ष्मी, शिव ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, कम से कम उसे कुछ फल तो दे दो। ये पेपर पे साइन किया है, मारता काहे को है? क्या बोलने वाला था लोगों को कि तू शिव प्रसाद के घर गया, सूद समेत पैसा लौटाने की धमकी दी और सब तेरी धमकी से डर गए। और अब तू क्या कहेगा, शिव प्रसाद के घर तूने सूद समेत पैसे मांगे तो उनके बड़े बेटे ने सबसे पहले तेरा सूद चुकता किया। सही हिसाब है ना? सही है। 3 महीने बाद आना और पैसे ले जाना। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, उस गुंडे से इतना झगड़ा क्यों किया? ये जानते हुए भी कि इस घर में शादी होने वाली है। दरअसल दोष तुम्हारा नहीं है, मेरे पापा का है। जिंदगी में 3-3 बार फेल हुए, लाइफ में स्टेबल होना तो दूर, ढंग का एक काम नहीं कर पाए वो। पहले डॉक्टरी में फेल हो गए, फिर बिजनेस का दिवाला निकाला। दैट ब्लरी ओल्ड मैन। ए, तूने मुझ पर हाथ उठाया? रुक, मैं अभी पापा को बुला। जब तू 9th में था तो तुझे तेज बुखार था, याद है? कोई दवाई काम नहीं कर रही थी, शहर के बेस्ट डॉक्टर तुझे ट्रीट कर रहे थे, उन्होंने भी उम्मीद छोड़ी दी थी सिवाय एक डॉक्टर के, डॉक्टर शिव प्रसाद राव, मेरे चाचा। उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई तुझ पे लगा दी, दिन रात तेरी देखभाल की, एक पल के लिए भी तुझसे दूर नहीं हुए, कितनी रात बिना सोए बिता दी। फाइनली तू ठीक भी हो गया, डॉक्टर्स ने कहा यह चमत्कार है, बाकी उन्हें कहा भगवान ने बचा लिया, लेकिन जिसने तुझे बचाया आज तू उसे ब्लडी ओल्ड मैन बोलता है। कुछ पता भी है कि आज वो एक डॉक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि उस दिन उन्होंने मन्नत मांगी थी कि अगर तू ठीक हो गया तो अपना मनपसंद पेशा छोड़ देंगे, और उन्होंने छोड़ दिया सिर्फ तेरे लिए। तो जैसे बेटे के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया और तू एक साइन नहीं कर पाया, जिस बाप ने तुझे हाथ पकड़कर चलना सिखाया तूने आज उसी का हाथ छोड़ दिया। उमा को इसके बारे में कुछ मत बताना। नहीं बताऊंगी। थैंक्स। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सभी मेहमान आ गए हैं, वो आपके बारे में पूछ रहे हैं। मुझे लगा था कि मेरा बेटा मेरी दुनिया है, पर आज उसने इस तरह अचानक मेरा साथ छोड़ दिया है। ऐसा मत कहिए जी। नहीं, मैं उससे नाराज नहीं हूँ, पर आज उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया है, मैं अब जीना नहीं चाहता। ऐसा मत कहिए। शांत हो जाए। हिस्मा,
मुझे माफ कर दीजिए पापा। विकी, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। अच्छा, मैं मिलवाता हूँ तुझे उससे। कौन है वो? सुहा। हाँ, इधर आओ ना। विकी, तुम एक दूसरे को जानते हो? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ये इसके साथ भी फ्लर्ट कर चुका है। चिट्टी, चिट्टी, चिट्टी गुस्से में ये आइसक्रीम खाएगा? लाता हूँ। ये विक्की हमेशा ही ऐसा करता है और कभी कभी तो हद ही कर देता है। अच्छा, उसके बारे में कुछ मत कहो, वो मेरा दोस्त है। अब तुम गलत मत समझो, इसमें उसकी गलती नहीं है, ये बस एक कोइंसिडेंस था, मेरी ही किस्मत खराब है। विक्की सच में लकी है, उसे तुम जैसा दोस्त मिला है। बिल्कुल नहीं, मैं लकी हूँ जो वो मेरा दोस्त है। क्या तुम ड्राइवर रंगा को जानती हो? हेलो, इज्जत से नाम लो, विकी उन्हें अंकल कहता है। वो मेरे पापा हैं। तुम्हारे पापा? मेरे पापा उनके यहाँ पिछले 20 सालों से नौकरी कर रहे हैं। विकी को मैं बचपन से जानता हूँ, बेस्ट फ्रेंड्स हैं हम। बचपन में उसने अपने पापा से कहा था कि पापा ये चिट्टी है मेरा बेस्ट फ्रेंड, आज के बाद हम दोनों साथ में ही रहेंगे। वो जब भी मुझे अपने नए दोस्तों से मिलाता है तो उनसे कहता है कि मैं चिट्टी हूँ उसका बेस्ट फ्रेंड। वो ऐसा ही है, वो अगर किसी को अपना मान ले तो उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। तो फिर वो लड़कियों के मामले में इतना अलग क्यों है? उसमें उसकी गलती नहीं है निक्की, हर लड़की उसे बस अपना बॉयफ्रेंड ही बनाना चाहती है, दूसरे एंगल से देखती नहीं, तो वो भी क्या करेगा। और जिस दिन कोई लड़की उसे लेकर सीरियस हो गई ना, तो मेरी बात याद रखना, वो उसके लिए दुनिया से लड़ेगा, उसका साथ नहीं छोड़ेगा, उसे वो अपनी पलकों पर बिठाएगा, ये मेरा दावा है। आ गया मेरा जिगरी दोस्त। ए कुर्सी चोर, रुक, ए कहाँ भाग रहा है? ए, अरे मैंने एक आइसक्रीम मांगी तो पूरी गाड़ी उठा लाया। रुक 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 रुक। ये वाली दे दे। भाग भाग के खा ले। बस। हाय निकी। हाय, आज शाम का क्या प्लान है? कुछ नहीं, मेरे दोस्त ने एक नया क्लब खोला है तो वहीं जाऊंगा। मैं भी साथ चलूं? तुम क्लब चलोगी? प्लीज विकी, विकी मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरा दोस्त कहीं नजर नहीं आ रहा। हाय विकी। कब? विकी। व्हाट्स अप गाइस? हाय, हाउ आर यू? फाइन। हाय। हाय। हाय हाय हाय। हे, हाउ आर यू? Hi Vicky. How are you? I'm fine. Guys, this is Nikki, Anil, Hello. Kavita, Rohit, Hello. Sanjana. Hi Vicky. Hey hey. दूर की रिश्तेदार है। Oh. तो Nikki, कुछ देर के लिए मैं तुम्हारे रिश्तेदार को तुमसे दूर लेके जा रही हूँ, okay? Don't mind. एक सेकंड, इसका ख्याल रखना। बताओ और क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं। हे, तुम कुछ ड्रिंक लेना चाहोगी? नहीं, उससे तो बहुत दिन हुए मिला ही नहीं मैं। कब? 3-4 दिन पहले। नहीं नहीं, मैंने बहुत बार फोन कर ओए, हेलो, सुनो, विकी, प्रपोज कर रहे हो क्या? Hey guys, मेरा दोस्त विकी इस खूबसूरत लड़की को प्रपोज कर रहा है। Cheer him up, विकी, 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 विकी,
ये मेरी दूर की रिश्तेदार है, उसके अलावा हमारे बीच और कोई रिश्ता नहीं है। सही कहा ना मैंने? अरे यार, डीजे की गलती की सजा तुम मुझे क्यों दे रही हो? तुमने ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारी दूर की रिश्तेदार हूँ? अरे बाबा, क्योंकि ये सच है। मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए? हाँ? बताओ, तुम्हारे नजदीक आने के लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हारे बकवास जोक्स पर हंसूं, या हमेशा मेकअप करके घूमती रहूं, या छोटी छोटी ड्रेसेस पहनकर तुम्हें इंप्रेस करूं? बताओ, टेल मी, व्हाट शुड आई डू? निकी, तुम्हें अचानक हो क्या गया? आई लव यू विक्की, दैट्स माय प्रॉब्लम। और तुम ये समझ नहीं पा रहे हो, उससे मुझे ज्यादा तकलीफ हो रही है। निकी, निकी तुम रो रही हो? निकी तुम रो रही हो क्या? निकी, अरे यार ये तो रो रही है। निकी, निकी रोना बंद कर दो प्लीज। क्या क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? I really love you, Vicky. अच्छा? Do you love me, Vicky? Love मतलब वो जो दो कपल्स के बीच में होता है, उनका रिश्ता गहरा होते जाता है और आखिर में वो शादी कर लेते हैं, उस टाइप का लव? हाँ। एक मिनट, हाँ, मुझे इस तरह का प्यार करना नहीं आता निकी। मेरी सबसे लंबी रिलेशनशिप 1 महीने चली थी। तो हम 2 महीने ट्राई करते हैं। मतलब? मैं इंडिया में सिर्फ 2 महीनों के लिए ही हूँ विक्की, तो क्यों ना हम दोनों कोशिश करके देखें? निकी, अगर फैमिली को पता चल गया तो गड़बड़ हो सकती है। एक बार ट्राई तो करो। हम दोनों अपनी अपनी फैमिली को तभी बताएंगे जब हम दोनों राजी होंगे, वरना एक दूसरे को भूल जाएंगे। प्लीज विक्की, मेरे लिए लेट्स ट्राई। ठीक है, ठीक है, तो हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं? यस। तो किस कर सकता हूँ ना? सॉरी, आई एम सो सॉरी विक्की। मैं जानती हूँ तुम्हारा हर रिलेशन किस से ही शुरू हुआ होगा, पर मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहती, तुम समझ रहे हो ना? ओके, तो हम लोग यहाँ से चलें? हाथ रख सकते हो। ये तो साइलेंट पे है। तुम्हारा रूम कितना गंदा है। ये यहाँ क्या कर रही है? कितनी गंदी गंदी बुक्स रखी हैं। जी। तुम सीधे यहाँ कैसे आ गई? क्यों, मैं नहीं आ सकती? मतलब ये मेरा कमरा है। हाँ तो क्या हुआ? अगर किसी ने देख लिया तो? ओह सॉरी, मैं वापस चली जाऊँ? हाँ। सुबह तुम्हारे लिए जल्दी उठी, सबसे छुपकर तुम्हारे रूम में आई, और तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो? ये है तुम्हारा प्यार? ऐसे प्यार नहीं किया जाता विक्की। चाची। आंटी प्लीज, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे। हाय आंटी, एक्चुअली उमा ने ये बुक्स मंगवाई थी। बाय आंटी। बाय बेटा। क्या सोच रहे हो विक्की? कुछ नहीं, बस किसी ने तुम्हारे साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका मतलब मेरे साथ यहाँ बैठने में तुम्हें शर्म आ रही है? ठीक है विक्की, तो मैं यहाँ से चली ही जाती। नहीं 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 नहीं, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। इस विक्की, तुम कैसे आ जाए? तुम्हें खुद भी नहीं पता। अगर तुम चाहते हो तो मैं चली जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं चली जाती हूँ ना, तब सही रहेगा। कुछ नहीं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। हैप्पी एनिवर्सरी। क्या? हमारे रिलेशनशिप को 1 वीक हो गया है। ओ। अब मुझे खिलाऊं? ये लो, तुम लोग खाओ।
मुझे ये वॉच लेनी है। अरे ये तो तुम खुद भी खरीद सकती थी निकी, इसके लिए हमें यहाँ पर लाने की क्या जरूरत थी। मैं जानती हूँ कि मैं ये खरीद सकती हूँ, लेकिन बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट किया तो खुशी होगी। आने को क्यों कहा? अरे किसी ने देख लिया तो? घर पे कोई नहीं है। अच्छा ये बात है। ओए। So, ये है मेरी छोटी सी दुनिया। कैसी लगी? Cool. Happy anniversary. केक के सिवा भी कभी कुछ मिलेगा? तुम एक ही ट्रैक पर क्यों बात करते हो? मैं किस करूंगी? लेकिन जब तुम चाहते हो तब नहीं, जब मेरा दिल करेगा तब। ठीक है। ये मेरी फेवरेट डॉल है, सिंड्रेला, तुम्हारे लिए। ये मुझे क्यों दे रही हो? मैं चाहती हूँ मेरी खास चीज उस इंसान के पास हो जो मेरे लिए खास है, और जब भी तुम इसे देखोगे उस वक्त तुम्हें मेरी याद आएगी। क्या हो गया है तुम्हें विक्की? आजकल तुम मेरे साथ ज्यादा वक्त भी नहीं बिताते। पर हम तो रोज ही मिलते हैं ना। मेरे लिए उतना काफी नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ और वक्त बिताना है। इसे संभाल कर रखना। सनी लियोनी मिया खलीफा, वाह क्या कलेक्शन है। इसे देखकर तो इंटरनेट भी शर्मा जाए। ए, क्या कर रहा है ये सब? अरे यार तू तो लवर बॉय बनकर डॉल्स के साथ खेल रहा है, तो तेरा ये कलेक्शन मैं अपने रूम में ले जाता हूँ। जो करना है कर। क्या हुआ यार, अपना तो पूरा वीकेंड सेट हो गया है। ए, देख पका मत। ए, इनमें से लेटेस्ट कौन सी है? बोला ना पका मत। अब तो तेरी खैर नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, ये तो अपने आप गिर के टूट गया। मतलब सिंड्रेला ने सुसाइड कर लिया ना? अबे सुप्रीम कोर्ट का जज भी इसे नहीं मानेगा तो निकी कैसे मानेगी? विक्की मैंने कुछ नहीं किया, इसने किया। ए, मैंने कुछ नहीं किया, झूठ मत बोल। विक्की। निकी हाथ से फिसल गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। I'm sorry. विक्की मैं तुम्हें बहुत परेशान कर रही हूँ ना? मतलब? क्या मैं तुम पर बोझ बन रही हूँ? एक छोटी सी डॉल ही तो टूटी है। बात सिर्फ डॉल की नहीं है विक्की, सब कुछ। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, तुम्हारे मुंह से मेरे लिए तारीफ भी नहीं निकलती। चलो वो सब भी ठीक है, आज तक तुम मुझे एक बार भी डेट पर लेकर नहीं गए। कल से मैं तुम्हें रोज फोन करूंगा, रोज तुम्हारी तारीफें भी करूंगा, और कल डेट पर भी चलते हैं। मैंने कहा इसलिए मत करो विक्की, तुम्हें खुद से फील होगा तब करना। वैसे भी मैं 2 दिन में लंदन जा रही हूँ, मुझे लगता है कि अब हमें डिसीजन ले लेना चाहिए। वैसे भी अब 2 महीने पूरे हो गए। तुम्हारा भाई? हाँ, कहाँ? वहाँ पर। अरे छोटू सर इधर आओ। चलिए छोटू। आज तो बाल बाल बचे, तुम्हारा भाई देख लेता तो? देख लेता तो क्या, हमारी शादी करवा देते, और शादी तो मुझे भी करनी है। अरे नहीं, कितना खिलाओगे? नहीं मुझे नहीं, मुझे नहीं, इन्हें इसको लीजिए ना। अरे लीजिए। आपको रोटी? विक्की चिकन लोगे? नहीं। मटन? नहीं नहीं चाहिए। फिश? मुझे एलर्जी है। कुछ भी नहीं खाता। किसी ने नहीं देखा चिल्मार? भाई साहब, हमारी निकी के लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढिए, मैं उसकी शादी करवा दूं और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं। सही कह रहे हैं आप।
जल्दी ढूंढिए पापा, एक बार इसकी शादी हो जाए तो मैं इसके रूम में अपना वार्डरोब बनाऊंगी। हाँ, अगर ऐसा किया ना तो पता है मैं क्या करूंगी? मैं भी आपके रूम में अपना वार्डरोब बनवा लूंगी। वो कैसे? ऑब्वियसली, मैं आपके घर में रहने। एक्टिंग मत कर, सब लोग देख रहे हैं। ए विकी, हाँ, यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कुछ कहना है जीजू? निकी 2 दिन में वापस जा रही है, घर कितना सूना हो जाएगा। बेगुनो मेसा, एक बात बताऊं विकी, निकी के पैदा होने के बाद हमारी किस्मत बदल गई। शिजा लकी चाम, इसलिए वो हमारी पूरी फैमिली की जान है। वो मुझे बहुत प्यारी है, तुम्हारी बहन से भी ज्यादा। उसके लिए अपने दिल में जगह बनाओ, कार की डिक्की में नहीं। जीजू उस दिन रिलैक्स, मैं सब जानता हूं। अच्छे लगते हो तुम लोग साथ में। निकी का अभी फोन आया था, उसके मम्मी पापा शादी के लिए मान गए। क्या हुआ? अबे पागल है क्या, क्या बात कर रहा है तू? अगर अब भी इसके बारे में बात नहीं की तो मैं पागल हो जाऊंगा। अरे प्रॉब्लम क्या है वो तो बता। सिर्फ एक नहीं है यार, जब उसके साथ होता हूं ना तो लगता है कि मैं प्लास्टिक बैग में बंद हूं, घुटन होती है मुझे। वो चाहती है सब कुछ उसके हिसाब से हो, हम कौन सी फिल्म देखेंगे, मैं कैसे कपड़े पहनूंगा, अरे खाना क्या खाऊंगा, वो भी यहां तक कि मेरा हेयर स्टाइल भी। उसने मेरी नींद भी हराम कर रखी है। जब देखो मैसेज मैसेज मैसेज, दिल करता ये फोन कहीं फेंक दूं और खुद यहां से गायब हो जाऊं। यार मुझे इतना कंट्रोल क्यों करती है, मैं क्या कोई डॉबरमैन हूं? विकी शांत हो जा प्लीज। हर हफ्ते केक लेकर आती है हैप्पी एनिवर्सरी लिखकर। अरे कोई भी नॉर्मल इंसान हर हफ्ते एनिवर्सरी मनाता है क्या? वो चाहती है मैं नजरें झुका के बस उसी को देखता रहूं। एक दिन पूछती है मैं उसके साथ खुश हूं या नहीं, और अगले दिन ही शादी की बात कर देती है। अरे यार जब इतनी प्रॉब्लम्स थी तो तूने उसके मम्मी पापा को इसमें क्यों इन्वॉल्व किया? मैंने किया? मैंने क्या उन्हें इन्वॉल्व? अरे मैंने तो उसे बोला था कि घर वालों को पता मत लगने देना, लेकिन दूसरे दिन सीधा मेरे कमरे में आ गई, घर वालों के सामने चिपकती रहती है, हिंट देती है और फिर शर्मा कर वहां से चली जाती है। किसी को शक नहीं होगा क्या? अरे फिर भी एक बार सोच ले यार, निकी एक बहुत ही अच्छी लड़की है और वो बहुत अच्छी वाइफ भी बनेगी। अरे ये गर्लफ्रेंड बनकर गले की हड्डी बन गई है, वाइफ बनाने की तो सोच भी नहीं सकता। आज तक मुझे किस करने नहीं दिया उसने, तो काहे का प्यार? अरे ये सब बातें तो रिलेशनशिप में होती रहती हैं। सीरियस रिलेशन तेरे लिए नया है, इसलिए तो इतना कंफ्यूज्ड है। पर दोस्त एक बात याद रखना, एक लड़की की जिंदगी और 2 फैमिलीज के रिलेशन अब बस तेरे एक फैसले पर निर्भर है। दोनों लंदन से ही तय कर रहे हैं। बता आप सही, मुझे भी ऐसे ही लगा था। वो देखो निकी महाराज, आओ आओ। अरे तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। अरे अभी तक तो ठीक लग रहे थे, अचानक क्या हो गया तुम्हें? उमा तुम्हारा भाई तो जादूगर है, उसने निकी को झट से इंप्रेस कर दिया। मैं उसे इंप्रेस नहीं कर पाई पापा। विकी को मेरी जरूरत नहीं है, रहने दीजिए। विकी मैंने जो भी कहा सही कहा ना, तुम यही चाहते थे, अब तुम्हें घुटन नहीं होगी। निकी बात क्या है बेटा? प्लीज पापा मुझे बोलने दीजिए। तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है विकी?
मैं बहुत ज्यादा फोन करती हूँ, मैसेज करती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम मेरे हिसाब से जियो। और मैं थोड़ी पजेसिव हूँ, यही ना, पर मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगता, क्योंकि हर रिलेशनशिप में ये सब होना बहुत जरूरी है। पर तुम्हारे लिए शायद मैं सिर्फ एक बोझ हूँ। मुझे लगा तुम ये सब कर रहे हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर तुम तो ये सब मेरे कहने पे कर रहे थे। मैं बस इतना चाहती थी कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए एक अलग जगह हो। तो मैं कहाँ गलत हूँ बताओ? तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए बहुत कीमती था, तो क्या हफ्ते में एक बार उस खुशी को सेलिब्रेट करना गुनाह था? तुमने कहा कि तुम्हें इस रिश्ते में घुटन हो रही थी, लेकिन तुम्हें मेरा प्यार क्यों नहीं देखा विकी? मानती हूँ हमने कुछ तय किया था कि हम घर वालों को नहीं बताएंगे, पर मैंने बता दिया और उसके लिए आई एम सॉरी। पर मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ, उसका क्या करूँ? मानती हूँ कि मैं तुम्हारी हर एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतरी, पर मेरा प्यार सच्चा था, लेकिन तुम उसे महसूस ही नहीं कर पाए। जानते हो विक्की, मुझे ऐसा लड़का चाहिए था जो मुझसे सच्चा प्यार करे, पर अब मैं अच्छे से जान गई हूँ कि तुम वो लड़के नहीं हो, और अब शायद मैं किसी पे भरोसा भी नहीं कर पाऊंगी। 2 महीने पूरे हो चुके हैं विक्की, अब तुम आजाद हो। मैं रो रही हूँ विक्की, लेकिन पता नहीं तुम्हारे लिए या तुम्हारी वजह से। को मेरी जरूरत नहीं है। तूने आज तक हर लड़की को अपने इशारों पर नचाया है, लेकिन ये पहली लड़की है जो चाहती है कि तू उसके जैसा बने, इसलिए तू इतना कंफ्यूज्ड है। अब तुम्हें घुटन नहीं होगी। अरे ये सब बातें तो रिलेशनशिप में होती रहती हैं। सीरियस रिलेशन तेरे लिए नया है। 2 महीने पूरे हो चुके हैं। अब तुम आजाद। विक्की, विक्की उठो बेटा, ऑफिस के लिए देर हो रही है, जाओ और नहाकर तैयार हो जाओ। हाँ, माँ। पापा, पैकिंग हो गई? हाँ हो गई, बस 10 मिनट में निकल रहे हैं। विकी, जेएलएल वाले कुछ ब्रोशर्स मांग रहे थे, ऑफिस पहुंचते उन्हें भेज देना। विकी आओ, ब्रेकफास्ट तैयार है। गुड मॉर्निंग विकी। हाय भैया, चलो ब्रेकफास्ट कर लो। माँ जल्दी करो ना, मुझे ऑफिस पहुंचना है। डोसा पसंद आया? एक और दूं? नहीं माँ, इडली दे दो। ये लो बेटा, अच्छे से खाओ। विक्की, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तुम आ जाना। बाय। विकी, ऑफिस जाते वक्त उमा को उसके ससुराल छोड़ देना। हाँ, बाय बेटा। भैया, भैया अंदर चलिए ना।
इधर क्यों बैठे हो? चलो घर जाओ। ये पूरा प्रोजेक्ट इस साल के आखिर तक तैयार हो जाएगा और हम सब लोगों को पोजीशन जो है अगले साल के पहले महीने तक जरूर दे देंगे। उमा से बात कर रही थी, वो प्रेग्नेंट है, तुम मामा बनने वाले हो। आइए ना। नमस्ते। नमस्ते, कैसी हैं आप? हाँ जी। कैसे हो बेटा? अरे अंदर आओ ना, यहाँ क्यों खड़े हो? कैसे हैं जी? हेलो, नमस्ते। मैं ठीक हूँ। आप सच में मुझसे नाराज नहीं है? अरे विक्की, तुम अभी आई हो? सब ऐसे बात कर रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तुम अंदर आओ। आपने कहा था कि वो आप सबकी जान है और मैंने उसका दिल दुखा के रुलाया। आप सबको मुझ पे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? विक्की, अगर तुमने निकी से झूठ कहकर उसका दिल तोड़ा होता ना, तो मैं तुम्हें जान से मार देता। निकी को तुमसे कुछ उम्मीद थी जो तुम उसे दे नहीं पाए। उसका दिल टूटा और वो चली गई। तुम्हारी क्या गलती है? तो मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता है? जब से निकी जिंदगी से गई है, मुझे सब कुछ अधूरा लगने लगा है, जैसे सीने में दिल ही ना हो। हार्ट ब्रेक्स ऐसे ही होते हैं विकी। ब्रेकअप्स मेरे लिए कोई नई बात नहीं है चीजू। मैंने ब्रेकअप नहीं कहा विकी, हार्ट ब्रेक कहा है। तुम्हारी कई गर्लफ्रेंड्स रही होंगी, पर तुमने क्या उनमें से किसी की बात मानी कभी? उनमें से किसी के लिए बदले हो? उनका गुस्सा झेला? या फिर उनके जाने से तुम्हें फर्क पड़ा? तो तुम्हें आज तक प्यार हुआ ही नहीं, तो तुम्हें हार्ट ब्रेक कैसे हो सकता था? हार्ट ब्रेक तब होता है जब तुम जिससे प्यार करते हो वो तुमसे दूर हो जाए। क्या मुझे प्यार हो गया? गुड नाइट। भैया, विकी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। छुट्टियों के लिए गया है। हाँ, छुट्टियों पे? ऐसे अचानक? तो क्या हुआ? कहाँ गया वो? नहीं बताऊंगी। हाँ? मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ यार। All the best. Kill it, man. Thanks. और हाँ, पहुँचते ही फोन कर। ठीक से पहुंच गए ना? हाँ, बस अभी पहुंचा हूँ।
एयरपोर्ट पर ही हूँ। ओके, मेरे दोस्त का बेटा भी उसी शहर में है। हाँ। वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर है। ओके। बेटा तुम उसी के साथ क्यों नहीं रह जाते? पर क्यों पापा, ये शहर मेरे लिए नया थोड़ी है। बेटा अब हालात पहले के जैसे नहीं है, मेरी बात मानो, वो तुम्हारी मदद करेगा। अच्छा नाम क्या उनका? खुल्ला खाओ। खुल्ला? बिना शर्माए खुल्लम खुल्ला खाता हूँ। इस वक्त फोन पे पप्पा से टॉकिंग है ना? लो अंकल, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, खुल्ला खाओ ने आपके बेटे के लिए दिल के दरवाजे खोल दिए हैं। ओके, खाते रहो। तो फिर चले। 2 मिनट्स वेटिंग फॉर डिलीवरी। ओके। इधर रह गया, बिल्ली में सोया है क्या? चलो पार्सल मिल गया, कम ऑन गो। इसमें क्या है? फोन? दिल दहाड़ के पिक्चर है। ये कब रिलीज हुई? इंडिया में नेक्स्ट ईयर होगी, इधर इसी हफ्ते करूंगा। तुम सारी फिल्में यहीं पर रिलीज करते हो? 70-80 पिक्चर तो चलते चलते रिलीज करता हूँ। बद्रू, बसेसर, लल्लन सब की पिक्चर मेरे पास ही आती है। व्हाई स्टॉप वॉकिंग? तुम आखिर हो कौन यार? गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। अरे बाप रे, तुम पायरेसी का बिजनेस करते हो? यस, जब मैं स्कूल में पढ़ता था लोग मुझे कहते थे क्या कॉपी कैट है। कॉफी पीते पीते कॉपी करना शुरू कर दिया, उसी टैलेंट को मैंने बिजनेस में घुमा दिया, इन सब की बेरोजगारी दूर कर दी, है ना गाइस? यस सर। व्हाट यू थिंकिंग, चोरी करने वाला गलत है या चोरी की चीजें इस्तेमाल करने वाला? टेल टेल। मुझे क्या, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ओके, गिव मी लड़की का एड्रेस, रेडी हो जाओ तो मैं दबंग बनाता हूँ। मैं तो भी रेडी हूँ, चलो। थोड़ा हाथ मुंह तो धो ले यार। रेडी हो गया, चलो। घोड़े पे आया है, घोड़ी चढ़ने? जीपीएस में एड्रेस टाइप करो भाई। You have arrived at your destination. मजाक मत कर भाई, एड्रेस डालना। You have arrived at your destination. हे, क्या चाइना का माल लगा के रखा है? नीचे उतर भाई। क्यों? गेट आउट कार। पर क्या वो तो बताओ। ये सामने वाला घर है भाई। ये वाला? हाँ, ये सफेद घर। बोलो, यहाँ तू निक्की को मिलने आया क्या? हाँ? भाई दैट मीन्स यू विकी। विकी कहाँ है वो? इस कॉलोनी में निक्की सबकी फेवरेट है। वो इंडिया से रोते रोते आई और यहाँ सबको बता दिया विकी इज अ बैड बॉय। अब ये सब मिलकर विकी की आलू टिक्की बनाने के लिए लाल पीले हो रहे। ही इज रमेश, निक्की के चाचा। बोलो निक्की। किसके मुंह से वो नाम निकला? सब निक्की के मुंह से। एक बार वो तुम्हें पहचानेंगे, तुम खुद को नहीं पहचानोगे। क्या वही लड़का है? मैं इसे नहीं जानती चाचू। बच गए। रमेश जी, ये है कृष्णा, मेरे बड़े चाचा का छोटा बेटा। तो तुमने विकी का नाम क्यों लिया? वो मैं सोच रही थी और मेरे मुंह से नाम निकल गया तो। ये गंदा गेम। सर सर सर, प्लीज आप इस तरह रोइए मत, बहुत ही गंदे दिख रहे हैं। मतलब आपको देखकर हमें भी दुख हो रहा है। गुस्से में मेरी शक्ल ऐसे बन जाती है। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं, कोई नहीं, बात नहीं। मैं तो पराए देश में अपनों को देखकर ही खुश हो गया हूँ। तुम लंदन पहली बार आए हो? जी सर। फ्लाइट में बैठकर मैं यही सोच रहा था कि मुझे लंदन में घर जैसा खाना कहाँ मिलेगा। खुल्ला से तो पानी भी नहीं उबलता, लगता लंदन में भूखा ही रहना पड़ेगा। अरे ऐसा नहीं बोलते, कल हमारे घर पे खाना खाने आ जाना। आप इतने प्यार से कह रहे हैं तो आ जाऊंगा। कृष्णा, इनको जानते नहीं और जान हथेली पे रखने को तैयार हो गए। ऐसे क्यों बोल रहे हो? वैसे भी नाम में रखा क्या है? मेरा नाम है रमेश और ये मेरे भाई की बेटी निकी। हाय, मेरे लिए बेटी से बढ़कर है। कौन है? चलो चलो, आओ अंदर आओ। मेरी वाइफ शांति। हेलो भाभी। हाय। ये कृष्णा है, खुल्ला खाओ का भाई, आज ही लंदन आया। क्यूट। मेरे दादाजी का नाम है। ओ अच्छा अच्छा। अगर अपने दादाजी से इतना ही प्यार था तो अपना नाम कोंडा रख देते। मेरा नाम कोंडा क्यों रखा? आना कोंडा रख देते, सब हंसते तो नहीं। मेरा कोंडा बेबी, माय स्वीट कोंडा, मेरा नॉटी कोंडा। बेटा बोल दो, लल्ला बोल दो, ये कोंडा कोंडा क्या है?
तो ठीक है, कल लंच पे बाय बाय। निकी, मेरी जरूरत पड़े तो फोन करना, मैं आ जाऊंगी। हाय निकी, कैसी हो तुम? तुम लंदन क्यों आए? आई एम रियली सॉरी निकी, तुम्हें हर्ट करने के लिए। तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। विकी, जानते हो इंडिया में मैंने तुमसे कितनी बार आई लव यू कहा था? गिनने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे हर रोज कहती थी। और तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे कितनी बार कहा था? इतना मत सोचो, तुमने एक बार भी मुझसे नहीं कहा। जाओ यहाँ से विकी। निकी प्लीज। व्हाट? तुमने उस दिन मुझसे आई लव यू कहा था पर मैं कंफ्यूज था। आज मैं तुमसे आई लव यू कह रहा हूँ पर तुम गुस्सा। लेकिन जब तुमने कहा 2 महीने ट्राई करके देखेंगे तब मैं मान गया था। अब मैं तुमसे टाइम मांग रहा हूँ, मुझे 2 महीने दो। क्यों दो? ताकि तुम्हें फिर से मुझसे प्यार हो जाए। विकी, तुम पहले से ही पूरी तरह कंफ्यूज थे, पर तुम्हें लेकर मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मेरा जवाब फिर भी ना होगा। ठीक है, तुम अपने फैसले पर अड़ी रहो पर मैं तुम्हारा फैसला बदल के रहूंगा। अगर चाचू को मैंने बता दिया कि तुम ही विकी हो तो? ओ, तो ये विकी है। बताना होता तो बता चुकी होती, उनसे झूठ नहीं बोलती। गंदा इंसान, मेरी बहन को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। तो 2 महीने के लिए ट्राई करते हैं, अगर फिर से प्यार हो गया तो हम सबको बता देंगे, नहीं तो फिर अरे प्यार तो होना ही है। रुको, मैंने कहा रुको। अरे कहाँ जा रहे हो विकी, उसका पीछा क्यों कर रहे हो? अगर मेरी बहन ने माफ भी कर दिया ना तो मैं नहीं करूंगा, इतना पीटूंगा कि स्टिकर बना के फ्रिज पे चिपकाऊंगा। अरे रुको। ये आपके लिए, अरे लीजिए ना। अरे इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत? तकलीफ की क्या बात है, ये सब लाने की क्या जरूरत थी कृष्णा? इतने तोहफे, अरे वाह। क्या कर रही हो शांति? कोंडा बाबू कहाँ है? वो देखो वो रहा। हे कोंडा। ये यहाँ क्यों आ गया? लगता है सबको मस्का लगा चुका। तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। मजा खरीदना चाहता है ये, इसे अभी मजा चखाता हूँ। पापा, यही है विकी, याद है आपको विकी? माँ, आपको याद है विकी? इसके गिफ्ट्स मत लो, वापस कर दो। अरे अरे तुम भी ले रहे हो, मत लो मत लो मत लो। पसंद आया? कोई बात नहीं, ठीक है, गिफ्ट अपनी जगह, बदला अपनी जगह। कोई बात नहीं, ठीक है, गिफ्ट अपनी जगह, बदला अपनी जगह। गिफ्ट चाकर आता रख दो। ठीक है ना, छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए रखती हूँ। सॉरी, हम एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते कि मैं तुमसे गिफ्ट लूँ। सो एक्सक्यूज मी। शाबाश पहना, कोई तो है इस घर में जो मेरी तरह अकलमंद है। खाओ खाओ, बहुत टेस्टी बना है। थैंक यू। खुला पुलाव खाओ। नहीं। मेरी बीवी इतनी अच्छी दाल बनाती है कि क्या बताऊं। हाँ, लेकिन ये दाल थोड़ी कढ़ी जैसी क्यों लग रही है? चुप रहो, खाते वक्त बात नहीं करते। सॉरी। हाँ, इसे भी फिश सर्व करो। नहीं चाचू, विकी को फिश से एलर्जी है। बहना, पापा को इसकी असलियत बता दो, फिर पापा इसे जहरीली फिश खिलाएंगे। जी, मेरा नाम तो कृष्णा है ना। हाँ। बहना रुको ना। की सुनो, ये विकी है कौन? एक नंबर का आवारा है जो लड़कियों के दिल से खेलता है, बस एक बार मेरे हाथ लग जाए। ये विकी कौन है? ये बोल के सोते हुए शेर के नाक में गुदगुदी करने की क्या जरूरत थी? छींकता तो विकी। अरे कोई नहीं है भाई। ये चाहो यहां से। ओ, तुम ये भूल गए थे। ये तुम्हारे लिए। मुझे नहीं चाहिए। मुझे भी नहीं चाहिए। मुझे भी नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे भी नहीं चाहिए। यस। निकी, प्लीज खोलो ना। एनिवर्सरी।
आज से 115 दिन पहले तुमने मुझे आई लव यू कहा था। आज 15th वीक एनिवर्सरी है। तुम्हें बुरा लगा ना? समझ सकता हूँ, मुझे भी उतना ही दुख मिलेगा जितना मैंने तुम्हें पहुंचाया। निकी नहीं, निकी प्लीज, मैंने बड़ी मेहनत से जोड़ा इसे। पर इसमें क्रैक्स तो अभी भी दिख रहे हैं। चाहे दिल हो या कोई गुड़िया हो, बात तो एक ही है विकी, एक बार टूट गया तो पहले की तरह जोड़ा नहीं जा सकता। सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। उसने जो डॉल गिफ्ट की है ना, तुम्हें उसे तोड़ देना चाहिए था। छे, उससे जरा प्यार से पेश मत आओ। छोड़ो ना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हियर आर सम मॉडल्स हु वॉलंटियर्ड फॉर द फोटो शूट। Look, the models are here. He's Daniel, he's Steve, and Vicky from India. You can pick any of these models for your photography assignment. Wow, he's hot. Oh, did he? Hi, Vicky. Hi, Vicky. Hi, Vicky. Little jerk. He's cute. I want Vicky. I want Vicky. I ask first. I want him. No, he's mine. Vicky, I ask you to be model. Vicky, I'm mine. He'll be mine, girls. Oh, please. I will decide who gets Vicky. Nikki. Huh? God is great. ये क्या कर दिया? तो बताओ क्या मदद कर सकता हूँ? सीधा फोटो शूट होगा या उससे पहले कास्टिंग काउच भी होगा? तुम्हारी फोटो खींच रहे ये बहुत है। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारी ज़बान खींच लेती। Hey Nikki, I'm so late. I'm so sorry I'm late. Basically I left the camera and I had to get a train from train to the bus, from bus to the taxi. थोड़ी सांस भी ले ले मेरे भाई। Excuse me? वहाँ पे जाके बैठ जा, बुला लेंगे। Cool man. ये तुम क्या कर रहे हो? रक्षा कर रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई लाइन ना मारे। कुछ नहीं करना है। Nikki, एक फोटो। Nikki, अरे मेरी बात तो सुनो। Nikki, एक मिनट। Nikki, बॉब, तू यहाँ क्या कर रहा है? Hey, pack your bags. The playboy is in town. बॉब, बस लड़की एक बार इसकी आंखों में देख ले, फिर वो इससे बचकर नहीं जा सकती। बॉब, प्लीज। पूरा टेढ़ा कैरेक्टर है तू, मानना पड़ेगा दोस्त। क्या रे Nikki, जब हम लाइन मार रहे थे तो भाव नहीं दे रही थी और अब जाके इसके साथ सेट हो गई? बस दिखती बोली है पर है बड़ी चालू। रुक जा, उसने क्या गलत कहा है? तुम्हारे साथ रहूंगी तो लोग यही कहेंगे। So hot, man. One more beer? No, I'm good. Yeah, would like to go for one beer. I think his girlfriend is calling. Iski tumhe. Come on, guys. तुम यहाँ क्या कर रहे हो उस लड़के के साथ? वो मुझसे बस समर क्लासेस के बारे में पूछ रहा था। He was just asking about the summer class. तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड से बात करने की? तो तूने मेरी गर्लफ्रेंड के सामने अनाप शनाप क्यों बका? ऐसे
मर्दों को मारना तो दूर, हाथ भी नहीं लगाने देना चाहिए। मर्दों की शान इसमें नहीं कि वो कितनी लड़कियों के साथ रह चुका है, बल्कि इसमें है कि वो लड़कियों की कितनी इज्जत करता है। तू दूसरी लड़कियों की तो इज्जत नहीं करता है, कम से कम अपनी गर्लफ्रेंड की तो कर ले। ये सब करना जरूरी था? हाँ जरूरी था, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, लड़कियों की इज्जत के लिए। अब अपने पिटारे में क्या लाया? एडवांस नैनोटेक कैमरा है। अगर इस कैमरे से मैं नकली चीज शूट कर लूँ ना, तो नकली असली लगेगी और असली नकली, समझा क्या? हेलो अंकल। हाय संजय, तुम्हारा ही इंतजार था। सॉरी देर हो गई। फल और मिठाइयां लाया, ये है कौन? फल वाला है क्या? जाकर देखो निकी रेडी है क्या। हाँ। निकी इसके लिए क्यों रेडी हो गया? अरे क्या सवाल पे सवाल, मैं इस घर का मालिक हूँ ना कि उस घर का वॉचमैन। अरे भाई किधर जा रहा है? रमेश के घर पे कौन आया कुछ पता है? वो निकी के लिए रिश्ता आया है, उसे देखने एक लड़का आने वाला था, शायद ये वही हो। बंद करो, इतना भड़क क्यों रहे? अरे तू नहा क्या? और दुबई में कितने सालों से हो? हम लोग 15 सालों से वहीं हैं अंकल। हाय अंकल। हाय कृष्णा। यस। कुछ काम था? वो हमारी कॉफी खत्म हो गई थी तो थोड़ी कॉफी मांगने आया था। झूठा नंबर वन। मांगना क्या है, यहीं बैठकर कॉफी पी लो। शांति। नहीं नहीं, आपके घर मेहमान आए, हम बाद में आते हैं। बाय, गुड नाइट। रुक, डोंट बी फॉर्मल कृष्णा, ये संजय निकी से मिलने के लिए आया। ओ, हमारी निकी से। बाय द वे, इसने हार्वर्ड से एमबीए किया है। ओ हाँ, और पता है इनका दुबई में टी एस्टेट का बिजनेस है। ओ तो निकी, इन्होंने तुम्हारे पास्ट के बारे में बता दिया। फ्रैंकली सबका एक पास्ट होता है। मेरे साइकोलॉजी के प्रोफेसर ने एक बार कहा था, गलतियां तो इंसान ही करता है, लेकिन जो उसे सुधारता है वो महान होता है। वाह, ये तो पैदाइशी महान है, तुझे सुपर महान बनना पड़ेगा। किसी का स्टेटस चुरा के आया हो? क्या सोचा निकी? जैसा आप कहें चाचू। ये हुई ना बात। डैड इज विजिटिंग लंदन नेक्स्ट मंथ, बाकी बातें तभी कर लेंगे। श्योर। क्या हुआ, मुंह क्यों उतरवा तेरा? संजय से मिले क्या? हाँ, संजय बाबा की पायरसी लगता है। तो अब इंडिया वापस जाएगा ना? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? बिल्कुल है। भगवान करे वो तुम्हें छोड़ दे। चल कुकड़ा। अरे वेट भाई, लगता है वो लोग रिश्ता तय कर लेंगे। समथिंग डू भाई। सबकी खुशी इसी में तो मैं क्या करूं? एक काम कर, उस बंदे को घर पे बुला, पार्टी करेंगे। हैं? हाँ। ऐसे टाइम पे लोग मजनू बन के शराब पीते हैं या दूसरे लड़की के साथ फाइटिंग करते हैं, लेकिन तू तो पार्टी कर रहा है, व्हाट इज दिस? ज्यादा सवाल मत पूछ। संजय, ये वाली चलेगी? नो मैन, ओनली स्कॉच। अरे बिहारी स्कॉच है, बहुत फेमस है। ओके। दोस्त, एक फेवर मांगूंगा तो गलत तो नहीं समझोगे? तू बोल के तो देख। निक्की को छोड़ने को बोलेगा और क्या? मैंने सुना है तुम्हारे डैड दुबई में बहुत बड़े आदमी हैं। मुझे वहाँ सेटल होने के लिए कुछ मदद कर दो ना। सॉरी ब्रो, डैड किसी की सिफारिश नहीं करते। आइला। अच्छा तो यहाँ तो तुम वेल सेटल हो ना, यहीं पर प्लीज मेरी मदद कर दो। सॉरी ब्रो, मेरी लाइन में जॉब मिलना मुश्किल है। प्लीज। सॉरी ब्रो। तेरी जेब में एक पेपर रखा है, जोर से पढ़। मेरी जेब में? मेरी जेब में तूने कब रखा? तुझे बोला था ना कृष्णा। जोर से पढ़ना। है? आमिर की आवाज में? मैंने तुझे बोला था ना कृष्णा, अमीर ज्यादे ऐसे ही होते हैं। वो हम गरीबों का शोषण तो करते हैं, लेकिन मदद करने के टाइम पे डंडा दिखाते हैं। वो तेरी 3 बार बोलना है, डंडा दिखाते हैं, डंडा दिखाते हैं, डंडा दिखाते हैं। ऐसी बात नहीं है यार, तुम जैसे लोगों को नौकरी नहीं मिलती, ओनली हाई प्रोफाइल पीपल। दादा की आवाज में? कृष्णा, यह इस वक्त नशे में, इसलिए तुमको ना नहीं बोल रहा है। ये ना बोल रहा है क्योंकि ये अमीरी के घमंड में डूब गया है। देखो अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। मेरे दोस्त कृष्णा, इस पर इतनी जल्दी यकीन कैसे कर लिया? ऊपर वाला ही तुझे बचा सकता है, माचिस है क्या? जो लिखा है वही पर। बस कर यार। क्या बोला तू? अमीर से मुझे नफरत है, अमीर की मैं खीर बना के पीता हूँ, पहले मैं सैलेड खाऊंगा। काटने के लिए छुरी लाओ कृष्णा, जल्दी लाओ। अच्छा है।
मुझे मारने की धमकी दे रहा है। शांत शांत, रुको 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 रुको। यहाँ अमीर कौन है बोल, यहाँ अमीर कौन है बोलना। तुम्हारे डैडी है ना, वो दुबई में टैक्सी चलाते हैं और मैं यहाँ पर, मेरी टैक्सी बाहर ही खड़ी है। तो फिर हार्वर्ड दुबई की TST शादी की वेबसाइट पर ये सब झूठ लिखना पड़ता है, कोई देखने नहीं आता। ये क्या बोल दिया मैंने यार, यार प्लीज किसी को बताना मत, प्लीज भाई इस राज को राज ही रहने दे। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं ही तेरी शादी करवाऊंगा, प्लीज भाई किसी को बताना मत। ठीक है प्लीज भाई मुझसे वादा कर, ठीक है नहीं बताएगा ना? हाँ पक्का ना? ओके भाई तू भी, भाई मत बताना। हाँ प्रॉमिस, मैं चलता हूँ, गुड नाइट, मिलते हैं। मुझसे भी बड़ा चैप्टर है, मुझे अपग्रेड होना पड़ेगा। तूने अंधेरे में तीर छोड़ा ना? हिंट तो इसने सुबह ही दे दी थी। मेरे साइकोलॉजी के प्रोफेसर ने एक बार कहा था, MBA में साइकोलॉजी कहाँ से आ गई, तभी उसकी चोरी पकड़ ली। इसकी फैमिली का दुबई में टी एस्टेट का बिजनेस है। दुबई में बंजर जमीन है, वहाँ पर टी एस्टेट कैसे हो सकता है? सही बोल रहा है, चल जाकर बता। अरे रुक रुक, अभी वो सो रहे होंगे, सुबह जाकर बताएंगे। ऐसा रिश्ता लाने के लिए रमेश अंकल को धोना चाहिए। अरे नहीं नहीं, मारा मारी नहीं चाहिए। अरे तू बहुत भोला है रे, चल छोड़, आगे का क्या प्लान है? वक्त आने पे बताऊंगा। क्या ढूंढ रहा है? वो नैनो टेक कैमरा कहाँ चला गया, नैनो के बाण चला के। ओ वैसे आज संजय के क्या हाल है? अरे अंकल, अंकल सॉरी। अरे अरे क्या कर रहे हो? अंदर चलिए। रुक जाता है। दोनों की खत्म हो गई है। अरे तुम चुप रहो। अंदर चलिए। बोलता है मुझसे। मैंने कहा ना अंदर चलिए। क्या अपने आप को? अरे मामा जी मेरी बेटी को देखने आए। शांत शांत शांत, क्या हुआ बात क्या है? ये सब तुमने किया ना? कैसे पता चला? मम्मी मेरा कैमरा। काटने के लिए छुरी लाओ कृष्णा, जल्दी लाओ। यहाँ अमीर कौन है बोल, यहाँ अमीर कौन है बोल ना। पहले कभी नहीं है। वो दुबई में टैक्सी चलाते हैं और मैं यहाँ पर, मेरी टैक्सी बाहर ही खड़ी है। हार्वर्ड दुबई के TST की वेबसाइट पर ये सब लिखना पड़ता है, कोई देखने नहीं आता। अच्छा तो ये बात है, आपके लिए और लाऊं? इसकी खबर लेता हूँ मैं। निकी की जिंदगी बचाने के लिए थैंक्स। अरे शांत हो जाइए। अब मेरी तारीफ होगी, ले ले। अरे मम्मी, अब इसे क्यों मार रहे हैं? अरे छोड़ दीजिए। ऐसा रिश्ता लाने के लिए रमेश अंकल को धोना चाहिए। अरे नहीं नहीं, मारा मारी नहीं चाहिए। है? एडिट नहीं किया था, भूल गया यार। अरे मुझे आप क्या कर रहे हैं, चलिए चलिए अंदर चलिए। मार सकता हूँ, मैं कह रही हूँ ना, आप अंदर चलिए। चलो जब तुम आए, तुम्हारे पापा ने कहा था कि ख्याल रखना बेटा, मुझे लगा तुम्हारी बात कर रहे हैं, अब समझा मेरी बात कर रहे थे। गोइंग भाई। सॉरी ब्रो, मेंशन नॉट। गुस्सा मुझ पे ना तो मुझ पे निकालो, ये सब नाटक करके नहीं चली थी शादी करने। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं सबको जाकर बता दूंगी कि तुम विक्की हो। रायता मैंने फैलाया तो साफ करने का भी मौका दो, ठीक है? कैसे? जो इंसान अपने 2 महीने के रिलेशनशिप को संभाल नहीं पाया, सोचो वो तुम्हारे 7 साल के रिलेशन को क्या बचाएगा। क्या बोल रही है? हमारे रिलेशनशिप को 7 साल हो गए, 5 साल से हम लिविंग में रह रहे हैं। मैं रोज इसके लिए कॉफी बनाता था, ऑफिस जाने से पहले इसे गले लगाता, सैटरडे नाइट को कैंडल लाइट डिनर के लिए ले जाता, यही हमारा रूटीन था। फिर क्या हुआ? पिछले 6 महीने से ये सब करने का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि ये मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट ही नहीं करती। रोज हमारी लड़ाई होती है और हम एक दूसरे को सॉरी भी नहीं बोलते, बेसिकली अब पहले जैसी बात ही नहीं रही। रिलैक्स। देखो अगर तुम्हें कॉफी नहीं बनाना तो कोई बात नहीं, चाय बना दो। क्या? या फिर जूस बना दो। उसे हग करने का मन नहीं कर रहा तो किस कर दो, उसे कैंडल लाइट डिनर के बजाय पब में ले जाओ, हैव फन। अगर प्यार जताने का तरीका काम ना करे तो तरीका बदलो, पर जिससे प्यार करते हो उसे मत बदलो। अब
तक तुमने अपने तरीके से प्यार दिया, अब वो प्यार दो जो ये चाहती है। मैजिक ना कभी जाता है ना आता है, उसे हम पैदा करते हैं। सही लड़की के लिए कुछ भी करने से हिचकिचाओ मत, और वो जो तुम्हारे लिए करती है उसे भूलो भी मत। इसे कभी कभार थैंक यू भी तो बोलिया करो, फिर माफी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच बेबी, थैंक यू मुझे बर्दाश्त करने के लिए। इट्स ओके बेबी, थैंक यू सो मच। हे ब्रो, तुम्हारा नाम क्या है? विक्की। निकी का विक्की। हे निकी, इसे कभी मत छोड़ना। या निकी, ही सो स्वीट, शादी कर ले तो इससे। हाँ? एनिवर्सरी निकी। हाँ? निकी, अब क्या हुआ? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुमने पहले मेरे प्यार का मजाक उड़ाया था और अब वही सब करके मुझे हर्ट कर रहे हो। क्या मैंने करने को कहा? क्या मैंने कहा कि मुझे खुश करो? तुम्हारे कहने पे नहीं किया, मेरे दिल ने कहा इसलिए किया मैंने। एनीवे, तुम्हें खुश करने के लिए माफी चाहता हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी। आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। तेरी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई। उसने जाके किसी और से शादी कर ली। Who's that girl? ये वही लड़की है जिसकी वजह से ये मसला खड़ा हुआ है। Then let's get her. उसे छूने की सोचना भी मत। दूर रहो उससे। विकी। Oh!
देखा, एक फटके का काम था। जानता मैंने तुझे मारने क्यों दिया? तूने कहा तुझे तेरी गर्लफ्रेंड मेरी वजह से छोड़कर गई। तुझे दर्द हो रहा है, मैं वो दर्द समझता हूं, पर बस बहुत हुआ, निकल यहां से। ये अकेला है फिर भी डर क्यों रहे हो? हम इतने सारे हैं। ए मारना। सब कहता है कि मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हूं, आज तुम्हें भी अपने शॉट्स दिखाता हूं। Fine, Nikki? Sir, you can see him now. Nothing to worry. He's fine. मैं ये कह रहा था कि Nikki आई है क्या? Nikki? Nikki? माँ, दीदी, अचानक कैसे आना हुआ? मुझे भी फ्लाइट लैंड होने के बाद ही कॉल आया। बहुत हुई तुम्हारी पढ़ाई, हम तुम्हें इंडिया वापस ले जाने आए हैं और तुम मना नहीं करोगी। लेकिन बात क्या है माँ? बनो मत, एग्जीबिशन के दिन जो मारपीट हुई थी उसे सुनकर मेरा दिल घबरा गया है। माँ प्लीज। दीदी आप बेवजह परेशान हो रही हैं। निक्की बिल्कुल ठीक है, इसे खरोंच तक नहीं आई, पर बेचारे कृष्णा को। ये कृष्णा कौन है? यस, इसी दिन का तो मुझे इंतजार था, आज वो दिन आ गया। यस। पड़ोसी है, यहीं खुला खाओ के घर पर रहने के लिए आया है, निक्की को भी उसी ने बचाया। अब चलिए हम लोग उसे थैंक यू कह देते हैं। कोई बात नहीं माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मदद की तो उसका शुक्रिया तो करना ही चाहिए। क्या हुआ बेटा? मुझे भी साथ चलना है, प्लीज। कह रहा है कि कृष्णा के घर मुझे भी ले चलो। माय पापा स्मार्टेस्ट। तुम्हें भी आना है? हाँ। चलो आ जाओ। अरे क्या बात है, कैसे हो? ये मेरे भैया और भाभी हैं। नमस्ते। इनका पायरेटेड सीडी का बिजनेस है। ये कहना जरूरी था। तो हमने थिएटर ही जाना छोड़ दिया। अरे कृष्णा, रमेश जी के भाई भाभी तुमसे मिलना चाहते हैं। उनके भैया भाभी मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? दिल दिया तो दर्द लिया। मुझसे मिलने क्यों आए होंगे, मेरा क्या वास्ता? I don't know. निकी के मम्मी पापा, किधर किधर? ये छुप जाओ, छुप जाओ। कम कम कम, ये मम्मी क्या कर रहा? एक मिनट बेटा। नीचे नीचे मत रुको, नीचे मत रुको, मैं भी चलूंगा साथ में। कृष्णा को दर्द हो रहा है, अभी नहीं मिल पाएगा। पट्टी लगाइए, पट्टी छोड़ो से। ए, ये तो कृष्णा है भैया।
शायद निक्की ने ऐसे मिलवाया होगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने कृष्णा को निक्की से मिलवाया। खुल्ला खाओ का रिश्तेदार है क्या ये पायरेटेड इंसान? तुम्हारा रिश्तेदार है? मैं तो दूर का रिश्तेदार हूँ ना अंकल। अच्छा बेटा, निक्की को मालूम है तुम दोनों रिश्तेदार हो? जब इसने बताया तो मुझे जाके पता चला, तो निक्की को कहाँ से पता होगा। ओहो सही है ना कृष्णा? क्यों मिस्टर झोल खुल गया बोल। कृष्णा बहुत अच्छा लड़का है, इसके भाई जैसा नहीं है। सच कहूँ तो कृष्णा के आने से निक्की काफी बदल गई है। उस विक्की की यादों को भूल कर एकदम नॉर्मल हो गई है। कमाल है ये। अब समझ में आया। अब तेरी कहानी का क्लाइमैक्स तो गया भाया। तो इसका मतलब है निक्की नहीं जानती कृष्णा कौन है? नहीं, तुमने इसे निक्की से मिलवाया? हाँ। अरे तो हमसे भी मिलवाओ। ओके। कहानी में ट्विस्ट? अब मैं क्या करूँ? कुछ तो करना होगा। कृष्णा ये मेरे भैया, ये मेरे भाभी। भैया ये कृष्णा। मेरे पापा भोले पापा, इन्हें तो कोई भी आसानी से बेवकूफ बना देता है। शुक्रिया बेटा। भैया कृष्णा अच्छा लड़का है। लीजिए जी कॉफी। ओ तुमने बनाई है? इतने कम वक्त में वो सबके साथ कितना घुल मिल गया है। मेरे हिसाब से निक्की के लिए वो सही लड़का है। तुम्हें जो भी सही लगता है वही करना, तुम्हारे हर फैसले पर हमें पूरा भरोसा है। थैंक यू। ये सब क्या हो रहा है? हे भगवान, ये छोटा उन बड़ों को समझाना चाहता है, मेरी आवाज उन तक पहुंचा दे। गाइस 10 दिन के लिए इंडिया जा रहा हूँ, मेरे दोस्त की शादी है, तब तक पायरेसी के पायदान टॉप पर पहुँचनी चाहिए। किसकी शादी है? तेरी है। मेरी शादी? हाँ, अभी अभी मैंने बाहर सुना निक्की की शादी होने वाली है विक्की से। निक्की और विक्की करेंगे शादी और खाएंगे चिक्की। सच में? थैंक यू भाई। अब तो टेरेस पे चढ़ के लाउड स्पीकर में बोलोगे कि मैं हूँ विक्की, तो भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। सही कहा। ये एकदम सही कह रहा है विक्की, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, आज ही नहीं पर अगर उन्हें पहले दिन भी तुम्हारा असली नाम पता चल जाता तो भी वो तुम्हें कुछ नहीं करते, क्योंकि एक ही पल में तुम सब पर अपना जादू चला लेते हो। सब लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं, सबको इम्प्रेस कर लेते हो, ठीक वैसे ही जैसे मुझे किया था। विक्की तुम यहाँ पर मेरे लिए आए थे, तुमने हर वो चीज की जो मुझे पसंद है, मेरा गुस्सा भी सहा। जब तुमने मेरे लिए ये सब नहीं किया था तब भी मैं तुमसे प्यार करती थी और शायद हमेशा मैं तुमसे प्यार करती रहूंगी, बट मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते विक्की, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हारी जिंदगी में मैं पहली ऐसी लड़की हूँ जिसे तुमने रुलाया है और वही गिल्ट तुम्हें खा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ गिल्ट है विक्की, प्यार नहीं। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तुम्हें वाकई लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता? तो मेरी आंखों में देखकर कहो। नहीं करते, पहले भी झूठ कहते थे पर हर बात पर मैं यकीन कर लेती थी, आज भी तुम एक झूठ के सहारे मेरे करीब आ रहे हो। आई डोंट ट्रस्ट यू विक्की, तुम अगर चले गए तो पता नहीं मैं कितने दिनों तक रोऊंगी, पर फिर भी दिल को मना लूंगी। अगर मैं तुम्हारे साथ रही भी तो मुझे हमेशा शक रहेगा कि तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं, हमेशा ये डर रहेगा कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे और मैं इस डर में नहीं जी सकती, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे जबरदस्ती का प्यार नहीं चाहिए विक्की। हाँ छोड़ती हूँ, चले जाओ यहाँ से। विक्की प्लीज 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 विक्की ट्रस्ट मी, प्लीज चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, मेरा हाथ छोड़ो विक्की, प्लीज प्लीज प्लीज। Thank you.
पहले दिन तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था, चोरी करने वाला गलत है या चोरी की चीजें इस्तेमाल करने वाला। अगर तुम चुराना छोड़ दोगे तो लोग गलती करना भी छोड़ देंगे। मेहनत करके कमाने की आदत वो पूंजी होती है जो अपने पास से कभी दूर नहीं जाती, पर गलत तरीकों से कमाया हुआ पैसा वो श्राप होता है जो आखिरी सांस तक तकलीफ ही देता है। पहले दिन ये प्रवचन देता तो तुम सुनते नहीं, पर अब दोस्ती पक्की हो चुकी है, इसलिए तुम्हें समझाना मेरा हक है। अपना ख्याल रखना। क्या हुआ, सब लोग इतने सीरियस क्यों हैं? विकी यहाँ आया था। या शो शो विल कैच अप इन द इवनिंग। हाय कृष्णा, हम अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। आओ आओ बैठो। एक मिनट, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ? मेरा असली नाम है विक्रम कृष्णा। ओके। विकी, विकी बोलने दीजिए। अंकल बेटा, सारी गलती मेरी है। निकी ने कहा हम 2 महीने के लिए रिलेशनशिप ट्राई करेंगे, मैं सिर्फ उन 60 दिनों के बारे में सोच रहा था, पर निकी मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताने के बारे में, पर मैं ही ये समझ नहीं पाया। जिस प्यार की उसे तलाश थी वो मैं नहीं दे पाया, इसीलिए वो चली गई, पर मैं उसका प्यार हासिल करने फिर यहां पर आया, पर उसका भरोसा ही गवा बैठा। मैं आज जा रहा हूं। तो चला गया ना वो, अब क्या? निकी, हम सब देख सकते हैं कि वो लड़का तुमसे कितना प्यार करता है, पर तुम क्यों नहीं देख पा रही? क्योंकि उसके प्यार में कोई सच्चाई नहीं है, सब कुछ झूठ है। अगर उसे मुझसे प्रॉब्लम थी तो आकर मुझसे बात करता, उसके फ्रेंड से नहीं। जब मैंने उससे पूछा था कि क्या मैं तुम पर बोझ हूँ तो उसने सच क्यों नहीं कहा? तुमने भी तो सबके सामने उससे सवाल पूछे थे जब वो तुम्हारे लिए भला बुरा कह रहा था। तुमने भी तो लंदन में पूरी कॉलोनी के सामने उसे शर्मिंदा किया था। इसमें गलत क्या है? अगर उसने अपने दोस्त के साथ अपने दिल की बात शेयर करके मन हल्का किया, जहाँ प्यार होता है वहाँ थोड़ा बहुत झूठ चलता है। बाकी सबको छोड़ो, अपने पापा को ही देख लो। 30 साल हो गए, इन्होंने कभी मेरी बनाई कॉफी नहीं पी, लेकिन कभी नहीं बोला कि मेरे हाथ की कॉफी अच्छी नहीं बनती। सोचा होगा कहीं मुझे इस बात को जानकर पुराना लग जाए। इसका मतलब क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते? बेटा, झूठ में भी प्यार छुपा होता है, बस तुम्हें उस प्यार को समझने की जरूरत है। निकी ने कहा था, टूटी हुई डॉल हो या टूटा हुआ दिल, चाहे 1,00,000 कोशिशें कर लो, से पहले जैसा कोई नहीं बना सकता है। मैंने कोशिश की अंकल, मैंने इसे पहले से भी बेहतर बनाने की कोशिश की, पर निकी का दिल उन क्रैक से उभर कर खूबसूरती देख ही नहीं पाया। उम्मीद है किसी दिन उसे वो खूबसूरती दिखाई देगी। बेटा, मैं निकी को समझाती हूं। नहीं आंटी, मैं इसी लायक हूं। आंटी, आप तो जानती हैं, मैं ना तो प्यार समझता था ना ही उसका एहसास जानता था, लेकिन जब निकी मुझे छोड़कर गई तब मुझे प्यार का एहसास हुआ। जब उसने मुझे गले लगाकर कहा कि उसे मेरे साथ नहीं रहना, तब दर्द का भी एहसास हुआ। ऐसा दर्द जो शायद सिर्फ मुझे मेरी माँ के गुजरने पर ऐसा दर्द में। मैं रो रहा हूं, ये तो होना ही था। निकी का दिल दुखा के मैं खुश कैसे रह सकता हूं? Oh,
आपका बहुत दिनों से इस वक्त का इंतजार था ना, कि विकी आएगा तो उसके दांत तोड़ दूंगा। तोड़ दीजिए, कम से कम आपका दर्द तो कम होगा। रोया था पापा, मेरे लिए रोया था। जानते हैं वो जिंदगी में किसी के लिए नहीं रोया है। आपने मनाया क्यों नहीं? आप सब लोग तो यहीं थे ना, उसे जाने से रोक सकते थे। छी, मेरे आने तक उसे बांध कर रखना चाहिए था ना, आप लोग किसी काम के नहीं। अब मुझे ही रोकना होगा। बाज नहीं आओगे ना? इसकी शादी हो रही है, मुझे कार्ड दे रही थी। सॉरी, इट्स ओके। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? साइलेंट पर था। फिर से अपने पहले वाले कपड़ों में आ गए? लंबा सफर था तो कंफर्टेबल कपड़े। ऐसे अचानक क्यों जा रहे हो? तुम्हीं ने तो कहा था जाओ। हाँ तो क्या हुआ, तुम क्या छोटे बच्चे हो जो मेरी हर बात मानोगे? ठीक है चले जाओ, मैं थोड़ी तुम्हें रोकने आई। अच्छा, तो क्यों आई हो? तुम्हें ये डॉल लौटाने आई थी। तो दो ना। थैंक यू। रुको, दो मुझे। तुम सच में नहीं जानते कि मैं क्यों आई हूँ या जानबूझकर कर रहे हो। मैं यहाँ पर आई तुम्हारे सामने रो रही हूँ, यहाँ तक कि उसे थप्पड़ मारा, तुम पर चिल्ला रही हूँ, पता नहीं क्या बकवास कर रही हूँ, तब भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। निकी, तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था, पर सुबह तुमने मेरा ईगो हर्ट किया था ना, इसीलिए खेल रहा था। तभी किस करूंगी जब मेरा दिल कहेगा। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। जानते हो ये मेरी पहली किस है। अच्छा, मेरी तो ए, बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। I love you, Nikki. I love you more. मुझे सच्चा वाला प्यार करोगे ना? कभी मुझसे झूठ तो नहीं बोलोगे? और किसी भी लड़की से फ्लर्ट नहीं करोगे? चुप क्यों हो? हाँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हाँ, रुको रुको रुको। हाँ भाई, अब बोलो क्या बोल रहे थे। लगता है इसने फिर से कोई बड़ा झूठ बोल दिया। I'm
I'm so sorry, officer. I was in a hurry and I didn't realize how I parked it and I just... Sorry, ma'am. You'll have to talk to my superior about that. One Indian lady broke the rule. Control. Okay. विक्की, तुम जाकर उससे बात करोगे प्लीज? ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। मैं? हाँ। नो प्रॉब्लम, विल टेक केयर। पक्का? हाँ। ठीक है, मैं बात करता हूँ, तुम गाड़ी में बैठो। भाषा भी ना, जो मिस नहीं है उन्हें भी मिस कहना पड़ता है।